गाइस मैंने अभी देखा मम्मी ने कनी का पहन रखा है कितनी स्वीट है यार मम्मी मेहनत के हाथ ओए हाथ दिखाइयो क्या हो रहा था क्या हाय यार एक जवानी की बीमारी हो है जवानी दीवानी होती है भाई साहब ने अपनी गाड़ी में सिस्टम लगवा रखा है मुझे सिस्टम 2 लाख रुपए का तो मुझे सिस्टम लगवा रखा है हेलो बा हेलो 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 मम्मी ने आते तारीफ कर दिया आज मेरी अच्छी लग गया दे वो भी आ गया सही टाइम हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे और आज मैं आई हुई हूँ अपने माइके हम जा रहे थे लाजपत नगर भाई तेरा कमेंट आ रहा था कि नमाई के लिया माई के लिया नमाई के लिया आज सो स्वीट ले वीडियो बोलना नहीं पड़ता ओ तेरी तो चश्मे देख चश्मे मम्मी के भाई के चश्मे लगा भाई अरे दादी तो मशीन पर मात उस में ला रही है दादी ने कहा मैं दादी तो जड़ में बैठी और मां चश्मे लगा रही है क्योंकि पापा का नाम रविंदर राणा है इसलिए उनका आर तो यहाँ पे आर आ रहे राशि एक है पापा से इनको लेडीज रवि बोलती है लेडीज भी सभी सभी गाइस मैंने अभी देखा मम्मी ने कनी का पहन रखा है कितनी स्वीट है यार मम्मी यार क्यों ना पहन रहा भाई जरूरी थोड़ी है अपने नाम का पहन रहा है क्यूट लग रहा है ना मम्मी जो अपने नाम से कुछ नहीं करते तेरा नाम लगवा रहा क्या सब कुछ कनिका कनिका चालू या ब्रांड बनने वाली है अरे अरे काम कनिका के नाम तो होगा तो ब्रांड बन जाएगी या थोड़े दिनों में ये ठीक ना कराई ला करा ले भाई मम्मी नाते स्वेटर पहना दी कित गई बाजू बाजू ढूंढने अंदर गई यारी पा गई भाई दादी जावती घूमन हमने रोक ली मका गए हम चलो वापिस ना ना चुराए पे पहुंची थी दादी चार हाँ रख दो हाँ मेरे अंदर तो धुआं निकला देखो देखो कर दो लाइट तो गाइस इसका सच ये है कि मैं जब गाड़ी से उतरी तो गाड़ी का टायर मेरे सूट पे लग गया हल्का सा मार्क लग गया था वो वॉश किया तो वो सूख रहा है इसलिए मैं हीटर के सामने बैठी अच्छा तुम प्रैक्टिस करो क्या की कैंड लाइट डिनर नहीं कर काओगे 13 तारीख ने 14 ने कितने स्वीट हो तुम प्रैक्टिस करो है ना अभी हमने कुछ प्लान किया नहीं है 14 का अच्छा कर लियो मम्मी की 19 है सालगिरह हमारे घर में सब की फरवरी में है ना कोई नाम अलग हमारी नवंबर में क्यूकर बनेगा और कितना अपना बनेगा रोहित यूं कह रहा था दीदे तुम मना अपना बनाओ अरे ये नु बोले या तुम्हारी है और मैं किसका हूँ फिर इसका जो मान्या था ना था इस गल ने फेरे लेके मैंने याद अपनी बना ली तो मेरे ये क्या लाभ हो गए रोहित का स्माइल कर दे है ना अरे मैं थोड़ा शर्मा जाऊं बटे वो बड़ा तेरे टट्टिया कर अपनी छाती का बांध अपने बंद कपाड़ी है नीलम सरप्राइज दे दिया अरे
रोहित जब से आया फोन में लगा हुआ है, हमेशा रोहित मेरे को ऐसे दिखाता है, आज मैं रोहित को दिखा रही हूँ। मैं भी तैयार थी रोहित भाई। अच्छा न्यू सूट मम्मी मेहनत क्या ओए हाथ दिखाइयो क्या हो रहा था क्या हाय ये क्या हो रहा है अरे ये तो डील है जिम की ईसा पतला होया बेचारे मेरे भाई के हाथ खराब हो गए दिखा केले का है तू गाड़ी में चलो दिखा आ मत बता दिखाऊंगी सीधा आ जाओ गिफ्ट लेने का ना ना इतना बुंडा ना लगता मस्त लग गया स्मार्ट कति बस आजकल ही बुंडी हो रही है बारिश तो गुड़ 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 ये लैपटॉप भी लेकर आऊं तो इतना ही ओ चुल्ला ताई जी ने बनाया है हम स्पेशली इसी के लिए आए थे पर ताई जी घर पे नहीं थी ताऊ जी थे तो मनीष से मंगवा लिया तो लेन लगते मुंडे कर दिया मेरे एक दिन और पहना था यही बार छी सड़ेले चेंज कर लिए एक ना का करूं मैं सुतरा सुतरा हो रहा है ना मनीष दादी हां और बुरा हो रहा है कच फिर नो लीला लग गया कमजोर हो गया दादी नु का कमजोर हो गया गुल्लू फिर नो लीला लग गया क्या कर रहा है मैं कमजोर हो रहा हूं यार अरे मैं क्या हूं एक मुट्ठी चावल में क्या जादू फिल्म नहीं गए एक मुट्ठी चावल दिखने को नहीं मिलता है तो तुम चार चार मुट्ठी खाता है अरे फिर तेरे पापा के घर क्या जाता है उस टाइम मैं थोड़ी टेंशन सी ले गया था मगर यार ईव तो मैं देखे नहीं मेरे एप्स देखे नहीं उसमें फोटो में देखे थे एप्स देखे अरे हाँ सुन दी कहीं क्या बार बार ना बोला अरे एक बात ने बार बार ना बोला तो दादी के लिए क्या रील बनाई जाए बताओ आज दादी की कह लो मैं रील बनाऊंगी पिछली बार जो कंटेंट मैंने बनाने थे दादी के साथ वो रोहित ने बना लिए कंटेंट जो तुमने बनाए थे आज मैनू वो देखो आज कोई ना आज ही ने बना लेने थे आज हमने इससे ही वीडियो देखनी है आज तू है बना दादी ने कहा बनाओ कितनी बनाओ बनाओ दादी भाई हो तो इसी होनी चाहिए कितना ही कंटेंट लो मुझसे है ना घर में सारे ऐसे ही है कंटेंट क्रिएटर ये जवानी है दीवानी रुक जाओ नानी देख जरा पीछे मुड़ के दादी अच्छा दादी तो गाइस कनिका का आज लुक देखो कैसी लग रही है पहले ऊपर से ये और नीचे देखो भाई ये गली में देना कुत्ते पाड़ लेंगे अच्छी लग रही है मजाक कर रहा हूँ वैसे ये भाई हील दिखाइए हील कितनी पहन रही है
भाई कनी का अगर रियल आईडी होती तो या किसी ने कुछ नहीं मानना है, बोर मार चल रहे पक्का बोर मार। आप इतने लंबे हो, आप बोर मार गए। मैं तो भाई आई एम डाउन टू अर्थ सब बोलते हैं, मैं भी डाउन टू अर्थ। दैट अगर तू अर्थ है तेरे नीचे तेरे डाउन। हां तुम ना मेरे ने के कहता है, मैं के कह दी अर्थ है तेरे। हां डाउन टू अर्थ सही नहीं लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत दिन के बाद ये कलर पहना है, शुरू में मैंने बहुत कलर पहना है यो, पर अब गाइस बहुत दिन के बाद ये कलर पहना है। ओ भाई पिंक कलर मेरे तो ध्यान दिया मैंने यार, पिंक मनाते हो प्याजी प्याजी माव है। हां पिंक मत यो कड़ा भी नाती है प्याजी प्याजी। तो भाई यो देख लो कनिका का महंगा वाला पर्स, इसका यो मफलर मफलर कई लाख का बताओ जी। लग गई यार वैसे लग्जरी पर्स लग गया है ना देखने में, ना सच्चाई बात है वैसे लग गया है लग्जरी पर्स, पर भाई यो ऐसा है 200-300 रुपये का। 200-300 का आप ले आओ ना ऐसा पर्स, कहां से मिल जाएगा 200-300 का ये। मैं तो फ्री में ना ले आऊं, फ्री को फ्री में देता हूं। क्या है मेरा ही था पार्सल, मैंने देखा फोन पे 2 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं। चलो आ जाओ देखते हैं क्या इसके अंदर। मेरा ही पार्सल था, मैंने देखा मिस्ड कॉल्स आ रही थी 2 मेरे फोन पे। देखो गाइज उस पार्सल में ये है, एक सूट ऑर्डर किया था कढ़ाई वाला रोहित कनिका लिखवा के, तो अब की बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। और ये मैं अनस्टिच सूट यहीं से मंगवाती हूँ क्योंकि दिल्ली में ही मेरे दोनों टेलर्स हैं, सारी स्टिचिंग मैं यहीं से ही करवाती हूँ, भादुगढ़ में नहीं करवाती हूँ। मुझे ऐसा कोई टेलर मिला नहीं है कि वहाँ जो मुझे सेटिस्फाई कर दे, इसलिए सारे सूट मेरे यहीं आते हैं, यहीं से स्टिच होके मेरे भादुगढ़ जाते हैं। अरे यो लगता नहीं जो आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना आ रहा हो। एक हेयर स्टाइल देख यार, वर देख ये यार, वाह क्या बात है छोरे। भाई साहब ने अपनी गाड़ी में सिस्टम लगवा रखा है, मुझे सिस्टम 2 लाख रुपए का, तो मुझे सिस्टम लगवा रखा है। कब दिखाओगे भाई वो सिस्टम? मुझे सिस्टम मजा करा कर रहा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। मैं थोड़ी थोड़ी कर लिया, गाने गुने के तो गाइस जो मैंने आज का कमेंट चूज किया है वो देख लो, ये है थैंक यू सो मच। पर मैं डेली एक बात बताओ, आप डेली जब घर पे होते हो आप क्या डेली कोई हेयर स्टाइल बनाते हो? घर पे डेली हेयर स्टाइल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, घर के कितने काम होते हैं, खुद हेयर स्टाइल बनता नहीं, रोज जाके पार्लर में मैं बैठ नहीं सकती। तो थोड़ा सा आप समझो, डेली हेयर स्टाइल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मैं कोशिश करती हूँ कहीं मैं जाती हूँ पार्टी फंक्शन या कहीं पे भी तो मैं हेयर स्टाइल पे फोकस रखती हूँ अब, पर थोड़ा सा आप समझो डेली हेयर स्टाइल करना नेक्स्ट टू पॉसिबल है मेरे लिए। तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर पा रही। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, इसके बाद आप नेक्स्ट व्लॉग देखोगे। अभी हम जा रहे हैं लाजपत नगर, क्यों जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हंसते रहो खेलते रहो, है ना मम्मी? मम्मी की तरह स्माइल करते रहो। बाय गाइज।